निमराना थाना पुलिस ने पंचायत चुनाव से दो दिन पहले बड़ी कार्यवाही करते हुए दुधेड़ा गांव में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अलीगंज यूपी निवासी चरण सिंह पुत्र कोमल सिंह, नारायणपुर अलवर निवासी रविंदर सिंह पुत्र इंद्राज सिंह व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के दुधेड़ा गांव में राठ इंटरनेशनल स्कूल के पीछे अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित थी। अलवर पुलिस से इसकी जानकारी मिली थी। अलवर पुलिस ने इसके एक पार्टनर को अलवर के अपना घर शालीमार में गिरफ्तार किया था। एसएचओ जितेंद्र नावरिया ने बताया कि यहां लंबे समय से विभिन्न ब्रांड की शराब बनाई जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में केमिकल स्प्रिट और 50 पेटी अवैध नकली अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये लोग कबाड़ी से बोतल और पौवे खरीद कर नकली शराब के रैपर लगा रहे थे। निमराना एसएचओ जितेंद्र नावरिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा निमराना में नकली शराब बनाकर स्थानीय बाजार के साथ ही हरियाणा और अन्य राज्यों में भी सप्लाई की जा रही थी। कई कंपनियों के रैपर और ढक्कन यहां बरामद किए गए हैं। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राठ इंटरनेशनल स्कूल के पीछे एक फैक्ट्री है जिसमें स्प्रिट से नकली शराब बना रहे हैं, जिसकी इतला को तस्दीक किया गया था और इस कार्रवाई में पुलिस थाना निमराना से विशेष टीम का गठन करके और इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसपी साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई थी। सर, कौन सी कंपनी की शराब पकड़ी गई है जहाँ पर बनाई जा रही फैक्ट्री में? इस कार्रवाई के दौरान ये पाया कि आरोपीगण जो है बाहर से कहीं से स्प्रिट लेकर आते हैं, किस स्थान से लेकर आते हैं उसके बारे में एक बार अनुसंधान किया जा रहा है और स्प्रिट लाकर मौके पर ये लोग कबाड़ी से खाली पौवे और बोतलें जो कि शराब की बोतलें होती हैं उनको काम में लेते हैं, उनको साफ करके उनमें केमिकल से तैयार करके स्प्रिट से शराब तैयार करते हैं और अलग अलग मार्का के हिसाब से वो शराब तैयार करते हैं और बाजार में उसका परिवहन और बिक्री करते हैं। मौके पे जो शराब बरामद हुई है वो मैकडोवल नंबर 1 के मार्का की शराब बरामद हुई है, जो करीब 50 पेटी शराब बरामद हुई है। एक ड्रम स्प्रिट प्योर स्प्रिट का बरामद हुआ है और एक ड्रम केमिकल का बरामद हुआ है। साथ में अलग अलग कंपनियों के जिसमें ब्लू रिबन और हरियाणा मार्का शराब और ऑफिसर चॉइस वगैरह के खाली ढक्कन भी बरामद हुए हैं। साथ में ऑफिसर चॉइस के लेबल जो स्टिकर्स जो बोतल पे लगे हुए थे वो भी बरामद हुए हैं। इस आरोप में हमने तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। इनके साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं जो मुख्य रूप से इस कार्यवाही में पहले से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा ही इसको मोहरा बनाते हुए इससे ये सारी कार्रवाइयां की जा रही है। इसको इस धंधे में पार्टनर बना के यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू की गई है और शराब तैयार करके और बाजार में विक्रय की जा रही है। क्योंकि चुनाव का समय है और इस समय में शराब की मांग ज्यादा है, उसके लिए इन लोगों के द्वारा ये इस तरीके की शराब तैयार की जा रही है। सर, कितने दिन से संचालित है अवैध फैक्ट्री? अभी तक के अनुसंधान में इसके द्वारा 15 से 20 दिन बताया जा रहा है, पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पहले से कोई कार्रवाई कर रही हो। तो बाकी मुलजिमों की भी गिरफ्तारी करके जब आमने सामने अनुसंधान होगा तो उससे पूरी चीजों का खुलासा हो पाएगा।